नमस्कार, मैं अमित पांडे। जैसा कि आपको पता है कि MOI के एग्जाम्स काफ़ी पास आ चुके हैं। अभी हमारे बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में काफ़ी सवाल होंगे, जैसे कि ये एग्जाम्स कब से होंगे, कब तक चलेंगे, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा, इस एग्जाम में, इस परीक्षा में कितने विषय कवर किए जाएंगे, हर एक विषय के कितने पेपर होंगे और उसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही होंगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन सब बातों का जवाब देंगे और एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी डेट्स की। MOI के एग्जाम्स हमारे 16 सितंबर से स्टार्ट होके 27 सितंबर तक चलेंगे। अब हम इसमें कौन कौन से विषय कवर करेंगे, तो यह एक MOI मींस मिड ऑफ द ईयर, इसको आप हाफ अर्ली या अर्धवार्षिक परीक्षा भी बोलते हैं, तो इसमें हम सारे विषय को कवर करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, GK, कंप्यूटर, संस्कृत, ड्राइंग, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। अब हर एक विषय के कितने पेपर होंगे और उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लीड ओरिएंटेड हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश जिसको एल्गा बोलते हैं 1-5 में, मैथ्स, साइंस जिसको हम EVS बोलते हैं 1-5 में, इसके अलावा आपका CCS कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, तो ये सारे हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं और ये लीड ओरिएंटेड हैं, तो इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो लीड साइड से आएगा और बच्चों को सॉल्व करना होगा। अगर उसमें स्पेस होगा, जैसा होगा बता दिया जाएगा कि उसके उसको आंसर शीट पे करना है या उसी क्वेश्चन पेपर पे करना है, इसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ में, अब आपने देखा होगा कि आपके बच्चे के हर एक विषय की एक फेयर नोटबुक होगी जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स टीचर ने अपनी साइड से कराया होगा, तो एक अलग से पेपर इसके साथ में, लीड पेपर के साथ में एक अलग से क्वेश्चन पेपर अटैच्ड होगा जिसमें कुछ फेयर क्वेश्चंस दिए होंगे और बच्चों को लिखना होगा। अब क्या बच्चा कोई बदलाव कर सकता है इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखते समय, कौन से क्वेश्चन आंसर्स को, फेयर वाले, जो फेयर नोटबुक बनी है उससे जो क्वेश्चंस निकाले जाएंगे क्या बच्चा उसमें कोई बदलाव कर सकता है लिखते समय, तो इसका जवाब है नो। ये क्वेश्चंस, ये आंसर्स बच्चे को वैसे ही लिखने हैं जैसे कि उसकी नोटबुक में लिखा है, बिना किसी बदलाव के। किसी भी बदलाव की स्थिति में अंकों में कटौती हो सकती है। तो ये तो हमारी बात हो गई। एक बार फिर से मैं यहां तक क्लियर करता हूं, एक क्वेश्चन पेपर जो लीड साइड से होगा उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन पेपर एक अटैच्ड होगा जिसमें फेयर क्वेश्चन आंसर्स की जो नोटबुक है उससे दिए गए क्वेश्चंस उसमें अटैच होंगे और बच्चे को लिखना होगा। इन बातों के अलावा आपने देखा होगा कि बच्चे की एक डिक्शनरी की कॉपी बनी होगी जिसमें बच्चा कुछ वर्ड्स लिखता होगा, उसकी कुछ इमेजेस बनाता होगा, डिकोड करता होगा और सेंटेंस बनाता होगा। तो अब इनका क्या, क्या इनका पेपर अलग होगा या जो पेपर साथ में होगा उसी में इंक्लूड होगा, क्या करेंगे, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने अभी तक बताया आपको, जैसे हिंदी ले लेते हैं या आप इंग्लिश ले लेते हैं, तो इंग्लिश का एक पेपर जो लीड साइड से आएगा उसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर अटैच होगा जिसमें फेयर जो नोटबुक है उसके क्वेश्चंस होंगे, ये आपका एक पेपर होगा। ऐसे ही सारे कोर सब्जेक्ट्स के पेपर हो जाएंगे। फिर आपने अपनी डेट शीट में देखा होगा कि एक पेपर वोकैब के नाम से होगा। इस वोकैब में क्या होगा, क्या ये हर एक विषय का पेपर होगा या एक ही पेपर में सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो इसको आप समझिएगा। अभी वोकैब का पीरियड आपने देखा होगा किसी एक दिन पढ़ रहा होगा। इस पेपर में आपके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस या जो जिसकी भी पिक्सनरी की कॉपी बनी है उनके सात सात वर्ड, क्लास 1-3 में बात करें तो 21 वर्ड, 7-7-7
कौन कौन से सब्जेक्ट्स के? इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। तीनों सब्जेक्ट्स के 77 वर्ड्स आएंगे, 21 वर्ड्स होंगे। अगर हम 4 to 5 की बात करें तो यही 25 वर्ड्स होंगे, किसी में 8 होंगे और किसी में 9 होंगे। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो यही वर्ड्स बढ़ के 30 हो जाएंगे, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे हम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और SST, 4 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो यह एक पेपर अलग होगा। और बच्चे को इसमें क्या करना होगा? बच्चे को इसमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उन वर्ड्स को पढ़ना है, उसकी मीनिंग लिखनी है, उसकी एक इमेज बनानी है उस वर्ड की, डिकोड करना है। बच्चे को पता है डिकोड कैसे होता है, क्लास में बताया जा चुका है, डिकोड करना है। और जो वर्ड दिया जाएगा ओरिजिनल वर्ड्स, उसको यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो ये हमारा हो गया वोकैब का पेपर। तो यहां तक हमने 2 बातें की। नंबर 1, हर एक सब्जेक्ट का एक लीड साइड से पेपर होगा, उसमें अटैच्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो फेयर नोटबुक से होंगे। ये आपका मेन पेपर हो गया एक। इसके अलावा एक वोकैब का पेपर होगा एक दिन। उस वोकैब के पेपर में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स की पिक्शनरी बनी है, सबसे वर्ड्स आएंगे और बच्चे को सॉल्व करने होंगे, उसकी डिकोडिंग करनी होगी, इमेज बनानी होगी, सेंटेंस बनाना होगा, इतना काम करना। तो ये हमारी बात हो गई अभी तक पेपर्स की। अब हम बात करते हैं कि जो फेयर नोटबुक है बच्चे की, उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस की जो संख्या है ये वैरी हो सकती है क्लास वाइज। अब इसमें सारे क्वेश्चंस क्या एक जैसे होंगे या अलग अलग तरीके के होंगे? तो क्वेश्चंस की वैरायटी होगी। कुछ वन लाइनर होंगे जिनको सिर्फ एक लाइन में लिखना होगा, कुछ शॉर्ट होंगे जिनको 2 या 3 लाइन में लिख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग आएंगे जिनको आप जो 100 वर्ड्स या 80 वर्ड्स से जो भी वर्ड लिमिट दी गई होगी उसमें लिखना होगा बच्चे को। तो बच्चे को अपनी फेयर नोटबुक से हर प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ना है और बिल्कुल डॉट टू डॉट याद करना है। इसका एक पेपर अटैच होगा साथ में। तो आज हमने अभी तक आपको इतना बात बता दी कौन कौन सी, कि पेपर हर एक सब्जेक्ट का लीड साइड से आएगा, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं GK, संस्कृत, ड्राइंग को छोड़ के। उसी के साथ में फेयर क्वेश्चंस अटैच्ड होंगे जिसको बच्चे को सॉल्व करना होगा। इन सब के अलावा एक वोकैब का पेपर होगा और उसमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे और उनको हमें डिकोड करना है, इमेज बनानी, सब करना है। अब हम बात करेंगे कल 31 अगस्त से और 3 सितंबर तक 4 दिन की हमारी छुट्टियां हैं। 31 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर, इस 4 दिन की छुट्टियों में बच्चों को क्या करना है? तो अभी क्या है कि एग्जाम्स बिल्कुल पास में है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे पर अच्छे से ध्यान दें और बच्चा इस समय को अच्छे से उपयोग करे। तो इसके लिए कुछ टास्क स्कूल से दिए गए हैं, जैसे कि 1, आपको अपने बच्चे की सारी नोटबुक्स को चेक करना है कि क्या उसका वर्क किसी में इनकम्प्लीट है। अगर वर्क इनकम्प्लीट है तो प्लीज आप उसको कंप्लीट करवा लें। इसके लिए आप क्लास टीचर से कॉल करके मदद ले सकते हैं या किसी बच्चे की फेयर बुक या वर्क बुक की इमेजेस भी मंगवा सकते हैं और बच्चे का वर्क कंप्लीट करवा लेंगे। 2, जैसा कि जो सिलेबस है हमारा, तो सिलेबस की शीट आपको अभी पहले भी आपको दी गई थी, लिंक भेजा गया था, और इस वीडियो में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको जब क्लिक करेंगे, क्लिक करते टाइम आपको सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आप अपने बच्चे की क्लास को क्लिक करेंगे, उसमें आप जब स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि हर एक विषय के सिलेबस दिया हुआ है।
तो उसमें आप देख लेंगे एमओवाई का क्या सिलेबस है। जितना भी सिलेबस है बच्चे को हर एक यूनिट हर एक लेसन को अच्छे से बोलेंगे कि उसको रीड करे। रीड करते समय वो उसको एनोटेट करे। एनोटेट का मीन्स जैसे बच्चा रीड करेगा तो उसको हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, एक एक लाइन रीड करेगा, डिफिकल्ट वर्ड्स को सर्कल करेगा या अंडरलाइन करेगा और उसका मीनिंग डिक्शनरी में देखेगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अंडरलाइन करेगा, हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से बच्चा सबकी रीडिंग करेगा। ये बुक्स देखी जाएंगी कि बच्चे ने उस पर काम किया है या नहीं। इसके अलावा जो फेयर क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रोट लर्निंग। जो ये एक दिन का वर्क नहीं है, अभी तक ये चलता आ रहा है, लेकिन ये समय है जिसमें हम बच्चे को अच्छे से और लर्न करा सकें। तो इन चार दिनों में बच्चे को धीरे धीरे इन पे भी काम करना है और इनको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इनको याद करना है। अब इसके अलावा आपके पास लीड ऐप होगा, उसमें लॉगिन आपने कर लिया होगा, क्योंकि आधा साल निकल चुका है तो लॉगिन तो आपका होगा ही। अगर नहीं भी है तो वो आप एक बार छुट्टियों के बाद या मुझे मैसेज करके करवा सकते हैं। बच्चे के लीड ऐप में आपने देखा होगा कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बच्चा इनको कर लेता है तो इससे उनको एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी, पता चल जाएगा क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। इसके अलावा वहां पे प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स होता है, जिससे हम जो बच्चे समय हमारा गेम खेलने में निकालते हैं, अगर गेम खेलने की बजाय बच्चा उस पर थोड़ी देर क्विज करेगा, नए नए क्वेश्चंस को देखेगा, उसके आंसर देगा, कुछ क्वेश्चन सही होंगे कुछ रॉन्ग होंगे, अगर रॉन्ग होंगे तो उसका आंसर भी वहीं पे चेक कर लेंगे। तो इस प्रैक्टिस से हमें क्या होगा कि हमें एक मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और हम अच्छे से बच्चे को तैयार करवा सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई हम लीड ऐप को किस तरीके से उसका यूज करेंगे प्रैक्टिस में या तैयारी में। इसके अलावा आपने जब बच्चे की बुक देखी होगी तो उसमें जब आप उसको पेजेस को देखोगे तो QR कोड आपको मिलेगा। वो हर एक QR कोड में एक वीडियो होता है या एक PPT होती है, कुछ स्लाइड्स होती हैं, जिससे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो अपने बच्चे को आप मोटिवेट करिए, बोलिए कि जितने भी QRs हैं हर एक यूनिट के एनोटेटिंग के बाद में आप उस QR को एक बार वॉच करिए, देखिए और समझिए कॉन्सेप्ट को। तो ये काम हम लीड ऐप से करवा के रखेंगे इतने दिनों में, चार दिनों में। तो इस तरीके से हमने आपको एक एक चीज के बारे में जानकारी दे दी। इसके अलावा हम आपको WhatsApp ग्रुप पे इन्फॉर्म करते रहेंगे, कोई भी बदलाव या कोई भी सूचना होगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। जैसा कि पहले भी कई सारे एग्जाम्स में बताया जा चुका है कि विदाउट एडमिट कार्ड किसी भी बच्चे को एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड हमारे 5 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट होना, आप स्कूल आके एडमिट कार्ड ले सकते हैं। एडमिट कार्ड लेते समय आपको एक इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे की जो फीस है वो सितंबर तक क्लियर होनी चाहिए, आपको एडमिट कार्ड तभी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि मैंने सारी चीजें कवर की हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कोऑर्डिनेटर्स मी अमित पांडे या नवीन सर, इनसे आप उनके मोबाइल नंबर्स आपके पास होंगे, आप मैसेज करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।